सो वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इब्रार और फाइनली अपना रियलमी 8 प्रो हमें मिल गया है और मुझे इसकी बेहद ज़्यादा खुशी है क्योंकि एक महीना पहले एक वीडियो कॉन्टेस्ट जिसमें आपने अपना टैलेंट शो करना था रियलमी पाकिस्तान और वीडियोली सरकार की वजह से पॉसिबल हो गया और उन्होंने ही ये कॉन्टेस्ट बनाया और उन्होंने कहा आपका कोई भी टैलेंट आपने शो करना है, आप म्यूज़िक में अच्छे हैं, सिनेमेटिक्स में अच्छे हैं या आपके पास कोई भी ऐसा टैलेंट है, आप डांस अच्छा करते हैं, आपने वो वीडियो बना के यूट्यूब पे अपने चैनल से पोस्ट कर देंगे। मैंने भी ऐसा ही किया और 8 मोबाइल थे जिसमें से एक मोबाइल मेरा भी था और मतलब कि मैं जीता और 7 मोबाइल जो जीते हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी बात ये कि अभी हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, आपको फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। इसकी मैं पहले अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ क्योंकि ब्रांड की तरफ से रिक्वायरमेंट थी कि आपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट लगानी है और इंस्टाग्राम के लिए आपको पता ना वर्टिकल आपको रेजोल्यूशन ही चेंज करनी पड़ जाती है। तो अभी हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, आपको फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। ओके गाइज, अभी हम इसको करते हैं अनपैक और यार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे फ़ोन रिसीव हो गया। बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ, इस साइड पे लिखा है Realme 8 Pro और यहाँ पे सामने भी लिखा हुआ है, पीछे स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, मैं साथ साथ आपको बता भी दूंगा। 8 GB 128 GB मुझे रिसीव हुआ है और बहुत ही तगड़ी डिवाइस है। 48,000 इसकी प्राइस है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, इसके अंदर आपको कवर मिल जाएगा, आपको मैं कवर भी दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी क्विक वीडियो बनानी है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। इसके साथ एक सिलिकन केस आता है जो कि बहुत प्यारा केस है। इस केस की सबसे ख़ास बात ये है कि ये स्मोक कलर में है, स्मोक कलर्स मीन्स कि ये पीला नहीं पड़ने वाला इतनी जल्दी का। आपके पास कोई भी फ़ोन है मैं रिकमेंड करता हूँ स्मोक कलर वाला कवर आप कहीं ना कहीं से पकड़ के आप उसको गेस करें। और ये आ गई हमारी डिवाइस, पहले आपको चार्जर और डाटा केबल दिखा देते हैं। इसके साथ सुपर डार्ट चार्जर आया है, डार्ट मतलब कि ये 60 वाट का चार्जर है और 60 वाट में मतलब आप समझ लें कि बहुत ही ज़बरदस्त चार्जिंग करने वाला है। 50 वाट पे ये फ़ोन चार्ज होता है और उसके बाद अगर आप देख लें ये टाइप सी केबल है, इसके साथ हैंड फ्री नहीं देते, ये हैंड फ्री अब तो किसी ब्रांड के साथ नहीं आ रही मेरे ख्याल से। तो अगर आप यहाँ पर देख लें, हम इसको करते हैं अनरैप और ये बहुत ही प्यारा फ़ोन है, मैं इसकी गेमिंग फर्स्ट इंप्रेशन सब कुछ एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा। ये इसका बैक है और ये कलर जो मुझे रिसीव हुआ है इसका नाम है, ये है इन्फिनिटी ब्लू। तो ये कलर भी काफ़ी खूबसूरत है, 108 MP कैमरा है, कैमरा इसका काफ़ी तगड़ा है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, सुपर एमोलेड नहीं एमोलेड स्क्रीन है लेकिन बहुत अच्छे कलर प्रोवाइड करती है। अगर आप सैमसंग का यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि आप मैं क्या बात कर रहा हूँ, और अगर आपने सैमसंग का फ़ोन नहीं यूज़ किया कभी तो आपको सैमसंग के फ़ोन के कलर तो पता ही होगा, सेम लाइक इसमें भी वही चीज़ दी हुई है। बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है और इसके जो कैमरा की बात है ना, एक तो इसका 108 MP मेन सेंसर है, एक है अल्ट्रा वाइड एंगल और तीसरा है जी माइक्रो लेंस और चौथा है डेप्थ का। तो मैंने सारे टेस्ट किए हैं, नाइट मोड में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, आपको थोड़ी पिक्चर सैचुरेटेड मिलती है लेकिन आपका जो नाइट मोड इसका दिया हुआ है तो ये कलर बड़े अच्छे से हैंडल करता है। और इसके अंदर बहुत से ऐसे फीचर हैं, मतलब कि आप इसका 108 MP तस्वीर खींचते हैं तो उसको जूम भी ज़्यादा कर लें तो तस्वीर फटती नहीं है ना उसका कोई रेजोल्यूशन ख़राब होती है, 108 MP में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। उसके बाद अगर आप इसके डेप्थ की बात कर लें, इसका पोर्ट्रेट बहुत ज़बरदस्त है, एज डिटेक्शन इतनी ज़बरदस्त है कि आपके यहाँ पे कान बाल कुछ भी हो तो उसको काफ़ी ज़बरदस्त डिटेक्ट करता है और बड़ी प्यारी तस्वीर एक बना के आपको पेश करता है। फ्रंट कैमरा बहुत मज़े का है, इसका भी पोर्ट्रेट बहुत मज़े का है, मैं वाकई बड़ा इंस्पायर हुआ कि बजट सीरीज़ फ़ोन के अंदर इतना ज़बरदस्त इन्होंने सेटअप दिया है। फिंगरप्रिंट इसका काफ़ी फास्ट है, मुझे फिंगरप्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद जो माइक्रो लेंस है, माइक्रो लेंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि रेजोल्यूशन थोड़ी कम है लेकिन बहुत अच्छी आपको एक पिक्चर दे देता है, आप उसको एडिट वगैरह करके आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लगाएं तो आपको
वैसे भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर रेजोल्यूशन ख़राब हो जाती है तो उसमें आपको इतना फ़र्क फील नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और डिस्प्ले की बात कर लीजिए, डिस्प्ले तो मुझे नो डाउट बहुत ज़्यादा पसंद आया। साइड पे एक पंच होल दिया हुआ है और जो कि फील भी नहीं होता। मैं अपना सैमसंग S10 5G यूज़ कर रहा हूँ, उस पर इतना बड़ा ड्यूल होल दिया हुआ है जिसमें, तो मुझे इतनी आदत पड़ी हुई है तो इतनी कोई टेंशन नहीं है मेरे लिए। बकाया बैटरी की बात कर लीजिए, बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी है और 4500 mAh बैटरी है, तो वो चार्ज भी 40 मिनट के अंदर हो जाता है। और इसके अंदर जो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको डेढ़ दिन अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, डेढ़ से दो दिन ये चल जाता है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो एक दिन ये पूरा चल जाएगा, मतलब कि 6 से 7 घंटे नॉन स्टॉप ये चल सकता है और स्क्रीन की फुल ब्राइटनेस पे। बकाया स्पीकर इसका काफ़ी अच्छा है, स्पीकर इसका नीचे एक दिया हुआ है, ट्यूल होता तो ज़्यादा अच्छा था। और डिस्प्ले की बात कर लूँ, 60 Hz है ये, 90 Hz नहीं है। और ये हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, ये चीज़ की काफ़ी अच्छी है। और गेमिंग के लिहाज से बात कर लीजिए, तो मैंने इसमें पबजी चलाई है, पबजी लिटिल बिट लैग करती है स्मूथ पे भी, तो वो मतलब 30 FPS पे इस तरह चल रही होती है तो 60 FPS वाला फ़ोन, लेकिन थोड़ा 30-40 पे चल रही होती है। मे बी अपडेट का कोई इशू है क्योंकि मैंने बकाया गेम्स टेस्ट किए हैं, बकाया गेम काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती हैं, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, सबवे सफ़र हो गई, इस तरह की गेमें मैंने टेस्ट की हैं, बिल्कुल ईजिली हैंडल करता है, तो इसमें मुझे ऐसा कोई परफॉर्मेंस में इशू नहीं है सिवाय पबजी के। बकाया फ़ोन बहुत अच्छा चलता है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, फ़ोन बहुत अच्छा है, स्लिम बहुत है, जिस तरह आप देख रहे हैं। ये मेरा फ़ोन है, ये कवर के साथ इतना मोटा है और कवर उतारूँगा तब भी आपको ये मोटा ही फील होगा, लेकिन ये काफ़ी स्लिम है। इसके अगर कैमरा बम्प देखें, कैमरा बम्प भी काफ़ी बाहर है, तो मेरा कैमरा फोकस कर लेके देखें जी, कैमरा बम्प भी काफ़ी बाहर है। तो ओवरऑल एक प्रीमियम फील आती है इसको पकड़ के, कोई आपको चीप फील नहीं होता और अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है और बेस्ट फ़ोन है भाई। प्रो मोड है इसके अंदर, फिल्म मोड है, इसके बाद स्लो मोशन मोड है। स्लो मोशन क्या, आपको 120 FPS से लेकर 960 FPS तक की ऑप्शन मिल जाती हैं, 4 ऑप्शंस मिलती हैं, आप उसको सेटिंग कर सकते हैं। ड्यूल वीडियो मोड मिल जाता है, ड्यूल वीडियो मोड में आप सामने का व्यू, अपना व्यू जिस तरह आप करना चाहें व्लॉगिंग के दौरान, वो भी आप कर सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल आपको एक ग्रेट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर आप नए कॉन्टेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सॉलिड डिवाइस होने वाली है, फ़ोटोग्राफी के लिहाज से काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। मैंने पिक्चर वगैरह आपको दिखा दी है, इसका रिजल्ट दिखा दिया है, मुझे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।